हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है इस ड्रेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लहंगा बनाएंगे। मैंने इस लहंगे के नीचे कोई भी कैन नहीं पहनी हुई है। अगर इस लहंगे के नीचे हम कैन वियर करते हैं जो मैंने बनाई है, तो इसका लुक और भी अच्छा आएगा। जो बॉटम वाला पार्ट है नेट की फ्रिल वाला, वो और भी बाउंसी टाइप का दिखेगा जब कैन वाला स्कर्ट पहनेंगे। लेकिन कैन वाला स्कर्ट इसके नीचे वही पहनना जिसमें नीज़ के नीचे कैन अटैच हुई हो, क्योंकि उससे ऊपर होगी तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी। और ये इस लहंगे में कुछ पिक्स है। और ये है इस लहंगे का साइज। लहंगे को बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 6 मीटर नेट, और बाकी का बचा हुआ वेलवेट फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक। और ये है इस लहंगे का बेसिक पैटर्न, जिसमें जो अपर वाला पार्ट है वो हम इस वेलवेट फैब्रिक का बनाएंगे और बॉटम वाला पार्ट नेट फैब्रिक का। तो लहंगे की टोटल लेंथ मैं 42 इंच ले रही हूँ। इसमें अपर वाला पार्ट 14 इंच का ले रही हूँ और बॉटम वाला पार्ट 28 इंच का। तो ये लेंथ का मेजरमेंट है। और अब अपर पार्ट की विड्थ का मेजरमेंट करते हैं। हिप साइज 40 इंच है, फिर 40 इंच का हाफ करेंगे तो 20 इंच आएगा, फिर फ्रंट पार्ट के लिए 20 इंच में से 2 इंच माइनस कर देंगे तो 18 इंच, फिर उसमें 1 इंच साइड्स की स्टिचिंग का ऐड कर देंगे और 1-1 इंच दोनों साइड लूज का, तो वो 21 इंच। फ्रंट साइड वाले पार्ट में जो हमने 2 इंच माइनस किया था वो बैक साइड वाले में ऐड कर देंगे बाकी के सेम मेजरमेंट। तो बैक साइड की विड्थ 25 और फ्रंट साइड की 21। और ये वेलवेट फैब्रिक के पीसेस मैंने कट कर लिए हैं। ये फ्रंट साइड है जिसकी विड्थ है 21 और लेंथ है 15, 14 रेडी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए। और ये है बैक पार्ट जो कि लेंथ वाइज सेम 15 इंच है और विड्थ वाइज 25। अब इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लेंगे और फिर बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रख देंगे इस तरह से। जो ओपन साइड है वहां से इसे इक्वल रखना है। ये देखिए, इस तरह से अरेंज कर लेंगे इन्हें और फिर यहाँ पे लेंथ वाइज 0.75 इंच का स्लोप मार्क करेंगे। इस तरह से स्लोप लाइन मार्क कर लेंगे और विड्थ वाइज 1 इंच का स्लोप मार्क कर लेंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस साइड 1 इंच पे मार्क करेंगे और फिर स्लोप मार्क कर लेंगे। ये वेस्ट वाली साइड है और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पीस है देखिए। और इन दोनों पीसेस को मैंने कॉटन फैब्रिक से स्टिक कर दिया है फैब्रिक ग्लू से। अब फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे रखेंगे और अब इनकी साइड्स को स्टिच कर देना है। इस तरह से रखेंगे और इन साइड्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है और इस साइड भी स्टिच कर देंगे। और ये दोनों साइड स्टिच हो चुकी है देखिए। और ये वेस्ट वाली साइड है। अब फ्रंट पार्ट की वेस्ट पे मिडल पे पॉइंट मार्क करेंगे, फिर उस पॉइंट के दोनों साइड 4.5 इंच पे पॉइंट्स मार्क करेंगे, फिर उन पॉइंट पे 5 इंच लेंथ की लाइन मार्क करेंगे स्ट्रेट, और फिर मार्किंग पे डार्ट स्टिच कर लेंगे। ये दोनों डार्ट स्टिच हो चुकी है देखिए फ्रंट साइड। 34 वेस्ट का हाफ करेंगे तो 17 इंच आएगा। फिर अब इस वेस्ट को मेजर करेंगे तो ये भी 17 इंच है, मतलब ये परफेक्ट है। अब एक कॉटन फैब्रिक की स्ट्रिप कट करेंगे जिसकी विड्थ 2.5 इंच है। अब इस स्ट्रिप को ऑल ओवर द वेस्ट स्टिच कर देंगे। इस तरह से ऑल ओवर द वेस्ट इसे सिलाई कर देंगे। ये देखिए, स्ट्रिप की स्टार्टिंग में उसे फोल्ड करके और फिर स्टिच करना है, फिर उस पर सिलाई लगानी है।
ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे और ये एंड है, इस तरह से स्टिच कर देंगे इसे यहीं पे। ये देखिए ये कंप्लीट वेस्ट लाइन पे स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है। ये स्ट्रिप स्टिच होने के बाद में फिर इस स्ट्रिप को इस तरह से टर्न करेंगे और फिर उस पर स्टिचिंग कर देंगे। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे हम और फिर इसे टर्न कर लेंगे इस तरफ। ये देखिए इस तरह से स्ट्रिप को टर्न करते जाएंगे और उस पर स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए ये जॉइंट इस तरह से रहेगा और फिर ये फैब्रिक टर्न होके और उस पर स्टिचिंग हो जाएगी। ये देखिए कंप्लीट स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर कंप्लीट पे स्टिचिंग कर देंगे। थोड़ा सा होल रखना है इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए। ये देखिए कंप्लीट स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है और ये मैंने होल रख लिया है इलास्टिक के लिए। 1 इंच विड्थ वाला इलास्टिक ले लेंगे, जो कि मैं लेंथ वाइज 15 इंच ले रही हूँ। 34 वेस्ट का हाफ करेंगे तो 17 इंच, फिर 17 इंच में से 2 इंच माइनस कर देंगे तो 15 इंच। तो मैंने इलास्टिक की लेंथ 15 इंच रखी है। फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसे इंसर्ट कर देंगे। इसे फ्रंट साइड की तरफ से डालेंगे पहले होल में। इस तरह से ये देखिए आगे बढ़ाते जाएंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट साइड से होते हुए ये इलास्टिक का एंड इस साइड पे पहुंच गया है। तो अब इस एंड को यहीं पे स्टिच कर देंगे पहले। और ये सेफ्टी पिन वाली साइड देखिए यहाँ पे है और इस एंड को मैंने स्टिच कर दिया है। देखिए अब इस सेफ्टी पिन को और आगे बढ़ाएंगे और इस होल में से निकाल लेंगे। और ये सेफ्टी पिन निकाल लेंगे। अब इस इलास्टिक के एंड को यहीं पे स्टिच कर देंगे, फिर इस होल को भी स्टिच कर देंगे, यहाँ पे भी स्टिचिंग कर देंगे। और ये इलास्टिक का एंड देखिए स्टिच हो चुका है और होल भी स्टिच हो चुका है। ये देखिए ये बैक साइड है जहाँ पे इलास्टिक स्टिच हो चुका है और ये फ्रंट साइड है। तो अब चलिए इसका बॉटम पार्ट कट करते हैं। बॉटम पार्ट के फ्रिल की लेंथ हम 28 इंच ले रहे हैं। पहले लाइनिंग के लिए हम कॉटन फैब्रिक कट करते हैं। मैंने कॉटन फैब्रिक की 4 लेयर्स ली है और ये इस साइड से जॉइंट है। देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड करके ले लिया है और ये वाली साइड फोल्डेड है। देखिए मेन फैब्रिक की लेंथ 28 इंच है और लाइनिंग की हम 27 इंच रेडी रखेंगे। फिर उसमें 2 इंच स्टिचिंग का ऐड कर देंगे। तो मैं इस फैब्रिक को लेंथ वाइज 29 इंच ले रही हूँ। और अब अपर पार्ट को लेंगे और उसे फोल्ड कर लेंगे, फिर उसे मेजर करेंगे। ये मैंने मेजर किया है तो ये 10 इंच आया है। फिर इसमें 1 इंच में स्टिचिंग का और ऐड करके 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर इस तरह से स्लोप में लाइन मार्क कर लेंगे उस पॉइंट से। फिर इस लाइन पे हमें 29 इंच पे पॉइंट मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पे। फिर थोड़ा सा और आगे लेंगे और फिर 29 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इन पॉइंट्स को स्लोप में मिला देंगे इस तरह से। और अब मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। देखिए अब इसकी साइड्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है दोनों साइड। फिर इसकी बॉटम को भी फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। और ये देखिए इसकी साइड स्टिच हो चुकी है और बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब नेट फैब्रिक को कट करते हैं। मैं कंप्लीट 6 मीटर नेट फैब्रिक ले रही हूँ बॉटम की फ्रिल के लिए। और इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे विड्थ वाइज और फिर मेजर करेंगे। ये देखिए मैंने विड्थ वाइज इसे फोल्ड कर लिया है और इसे मेजर करने पे ये 29 इंच आ रहा है। 28 हमें रेडी चाहिए तो ये बिल्कुल सही है। हम इसे मिड में से कट कर लेंगे कंप्लीट नेट को।
और ये कंप्लीट नेट मिड में से कट हो चुकी है। देखिए यहाँ से मैंने कंप्लीट नेट को कट कर लिया है। अब इसकी साइड्स को स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देनी है और इस साइड भी स्टिचिंग कर देनी है। और ये इसकी दोनों साइड स्टिच हो चुकी है। देखिए अब ये कंप्लीट 12 मीटर फ्लेयर हो चुका है, 6 मीटर फ्रंट के लिए और 6 मीटर बैक के लिए। और अब इसे कॉटन वाली लाइनिंग पे स्टिच कर देंगे। तो कॉटन वाली लाइनिंग की जो साइड है उसे नेट वाली साइड से अटैच कर देंगे और फिर स्मॉल स्मॉल प्लीट्स डालते हुए इसे स्टिच कर देंगे। इस तरह से अच्छे से नेट को गैदर करके प्लीट्स बना के और फिर स्टिच कर देंगे। और जो ये वाली साइड है इसे भी इस साइड से अटैच कर देंगे। जो कॉटन वाली साइड है उसे नेट वाली साइड से अटैच कर देंगे और फिर प्लीट्स डालते हुए कंप्लीट फ्लेयर को स्टिच कर लेंगे। और ये कंप्लीट नेट कॉटन फैब्रिक के साथ स्टिच हो चुकी है। देखिए अब बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। पहले साइड्स को जॉइंट करेंगे, ऑल पिन से साइड्स को अटैच करके और फिर स्टिचिंग कर देंगे। और ये देखिए बॉटम पार्ट अपर पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब इस फ्रिल के बॉटम के लिए मैं हॉर्स हेयर ब्रेड ले रही हूँ, हाफ इंच वाली। ये देखिए हाफ इंच वाली हॉर्स हेयर ब्रेड इसकी बॉटम पे यहाँ पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर देंगे, पहले ऊपर की तरफ रख के और फिर इसकी किनारी पे स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल एज पे स्टिचिंग करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये स्टिचिंग हो चुकी है देखिए कंप्लीट पे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और अब इसे स्टिच कर देंगे। यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे, इसी तरह से कंप्लीट बॉटम पे स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दिखेगी फिर ये, और फिर ये लहंगा कंप्लीट हो जाएगा और इसका फाइनल लुक। और इससे नेक्स्ट दुपट्टे का वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइज़।